हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में और अच्छे तरीके से समझेंगे उस शेयर के बारे में। पर उससे पहले देख सकते हैं तीन वीडियो अपलोड कर दिया हूं, वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट आई बटन पे भी ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में देखें तो राइट नाउ 106 रुपीज पे करेंटली ट्रेड करिए। वन मंथ पे देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो बनाई है। उतार चढ़ाव थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट करते हुए इस पॉइंट पे देखने को मिली है। यहाँ पे कितनी कंसोलिडेटिंग दिखी है तो यहाँ पे अगर मेनली हम लोग फोकस करें 104 से लेकर 106 पे बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है और इसमें बहुत ही बड़ा भूचाल भी आने वाला है। भूचाल किस तरीके से आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पे होल्डिंग उतनी ज्यादा खास भी नहीं, पर हाँ 37.72% की होल्डिंग्स बनते हुए दिखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे, मेनली मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आप लोग दिखाता हूँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेट करते हुए दिखिए। 3 मंथ में देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेट करते हुए दिखिए और इसकी बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट आती है। 104 से लेकर 103 की बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और कितनी ऊपर तक की टारगेट बनाती है तो अगर ये 2110 की टारगेट ब्रेक करते हुए दिखती है तो आराम से पहले तो 108 ब्रेक करना जरूरी है, तब जाके 110 ब्रेक और ब्रेक करते हुए दिखती तो 115 तक टच करने से कोई नहीं रोक सकता इस शेयर को। शेयर बहुत ही बेहतरीन है, प्रॉफिट बनते हुए आराम से दिखेगा मार्केट में। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स का अगर टारगेट रखते हैं तो 200 तक मार्केट में टच कर सकती है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऑफकोर्स मैं आप लोगों को रिप्लाई बैक करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।